हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मेरा नाम है सागर और आज अपने स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, क्या ये शेयर भी अब 7R NR रिटेल, मौर्य उद्योग और एग्रोफोर्स की तरह काम करने वाला है? जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिन से यहाँ पे भी हाई बनने के बाद सर्किट लगने चालू हो गए हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, 209 रुपये 55 पैसे के आज इसकी क्लोजिंग आई है NSE पे, और BSE पे भी 5% के लोअर सर्किट साथ 209 रुपये 15 पैसे पे शेयर बंद हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो भी सर्किट पे हुई थी और दिन भर यहाँ सर्किट पे ही काम हुआ है। दिन के हाई और लो दोनों 209 रुपये 55 पैसे, यानी कि यहाँ पे कोई भी बायर अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस सेलर अवेलेबल थे जिन्होंने अपनी पोजिशन सेल करनी चाहिए, लेकिन किसी को भी एग्जिट जल्दी नहीं मिल रही है। जो वॉल्यूम था दोस्तों, यहाँ पे था 1,18,000 शेयरों का। तो वॉल्यूम भले थोड़े ज़्यादा NSE पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों नॉर्मल वॉल्यूम के मुकाबले अगर बात की जाए तो यहाँ वॉल्यूम कम देखने को मिला है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे भी एक ट्रैप की तैयारी हो रही है उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे रिटेलर्स फंस चुके हैं? दोस्तों, आज पूरी बात हम इस वीडियो पे इस शेयर के बारे में भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 52 वीक लो है 30 रुपये 15 पैसे का, और जो इसका 52 वीक हाई है वो है 243 रुपीज़ का, यानी कि 30 रुपये से अगर बात की जाए तो 8 गुना हो चुका है शेयर निचले लेवल से। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब ध्यान देने वाली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट में यूफोरिया बनना चालू हो गया है, और अगर मार्केट में अब यूफोरिया बन रहा है तो दोस्तों किन शेयरों में रहना चाहिए और किसकी वैल्यूएशन कितनी है उस हिसाब से हम देखते हैं सीधा चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों, चार्ट इसका कितना भयानक चार्ट है। सितंबर के आसपास इस शेयर का प्राइस 45 रुपये के आसपास हुआ करता था। 3 सितंबर के दिन ये शेयर 45 रुपये पर ट्रेड करता था, और सितंबर यानी 3 महीने के अंदर ये शेयर बढ़ के 232 रुपये के हाई पे चला गया, और 9 जनवरी के बाद लगातार 2 दिन से इसमें लोअर सर्किट लगने चालू हो गए हैं और आज 209 रुपये पे यहाँ क्लोजिंग आई है। दोस्तों, ये भी सेम उसी तरीके के पैटर्न में चल रहा है जिस तरीके से 7NR रिटेल और इन सारे शेयरों में हुआ था काम। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आपको देखेंगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 94 लाख 95 लाख शेयरों का वॉल्यूम, 20 20 लाख 50 50 लाख शेयरों का वॉल्यूम यहाँ आपको दिखाई देगा, और आज जो वॉल्यूम हुआ है वो मुश्किल से 1,18,000 शेयरों का हुआ है। तो यानी कि वॉल्यूम भी यहाँ पे अब कम होने चालू हो गए, यानी कि सारे इन्वेस्टर्स फंस रहे हैं। अगर अब दोस्तों इसके हम थोड़े मार्केट कैप और वैल्यूएशन की तरफ जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 32,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ध्यान दीजिए 911 का PE। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना महंगा PE किसी स्टॉक का मैंने तो नहीं देखा है। EPS की अगर मैं यहाँ बात करूँ, सिर्फ 23 पैसे 23 पैसे इस कंपनी की EPS है, और 911 के PE पे ये स्टॉक काम कर रहा है। बुक वैल्यू इसकी 9.01 है। इंडस्ट्री की PE यहाँ पे आप देखिए 10.21 चल रही है, और इसको 911 का PE मिल रहा है, तो किस खुशी में मिल रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए अगर इसकी, तो 23 की प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या ऐसा है इसमें इतना इम्पोर्टेंट कि इतना महंगा वैल्यूएशन इसको दिया जा रहा है इस स्टॉक में? इसके फाइनेंशियल में अगर हम नज़र डालते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था वो था 38 करोड़ रुपए, और उसके पहले क्वार्टर जून में इसका क्वार्टर में जो मुनाफा था वो सिर्फ था 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपये, और मार्च में जो इसका क्वार्टर खत्म हुआ तो वहाँ पे इसका जो प्रॉफिट था वो था सिर्फ और सिर्फ 7.89 करोड़। तो 5 करोड़ और 8 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 32,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन क्या जस्टिफाई होती है? वहीं अगर दिसंबर 2018 की बात करो, लास्ट ईयर, तो यहाँ तो 15 करोड़ का घाटा था, और उसके पहले सेप्टेम्बर 2018 में इसका घाटा 17 करोड़ रुपये था। तो दोस्तों, यहाँ पे इतनी हाई वैल्यूएशन यहाँ पे सस्टेन होगी नहीं होगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से शेयर में यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ जरूर दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। अभी यहाँ मैं कंफर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन दोस्तों गिरावट जो चालू हुई है तो न्यूज़ आने से पहले ही किसी को जब न्यूज़ का कुछ अता पता होता है तो वो बेचना अपना माल चालू कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मार्केट में आपको जो कदम है अपने फूक फूक के रखने होंगे, और किस तरीके से आपको अपने माल लेने हैं और कौन से शेयर छोड़ने हैं वो अब आपको खुद चूज करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम इस शेयर में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर का जो हिस्सा है सेप्टेम्बर 19 क्वार्टर में वो है लगभग 74.92%, जहाँ पे 42.35% हिस्सा प्लेज्ड है।
मतलब ये गिरवी रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 74 में से 42% हिस्सा तो प्लेस्ड है। FIIs के पास 20.32% की होल्डिंग है और DIIs के पास सिर्फ 2.38% हिस्सा है, जिसमें से बहुत ही कम हिस्सा DIIs ने रखा हुआ है। और अदर्स की बात की जाए तो मात्र 2.07% हिस्सा, यानी सिर्फ 2% हिस्सा ही अदर्स यानी कि रिटेलर्स होते हैं उन लोगों के पास है। फिर भी अगर 32,000 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से गिना जाए तो लगभग 650 करोड़ का माल रिटेलर्स के पास पड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है अब कि शेयर बाजार में शेयर्स में किन शेयर्स में पैसे लगाने हैं और किन शेयर में पैसे नहीं लगाने। क्योंकि दोस्तों 911 की पी के वैल्यूएशन पे आप पैसा लगाएंगे तो आप सोचिए क्या चलेगा, पैसा कितना आप कमाएंगे। अच्छी अच्छी कंपनियों के पी भी 50, 60, 70 या मैक्सिमम 100 तक भी बहुत माने जाते हैं। तो दोस्तों 900 का पी मतलब खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मेरी तरफ से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों इन टाइप के शेयरों में अब निवेश करने से बचें और थोड़े अच्छे शेयरों में जाके निवेश करें, यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।